अभी हमने एक इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखा है, तो अब लेट्स सी एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन मजीद देखें और उसमें देखें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स नहीं है। बी लिमिटेड बॉट 55% शेयर्स। अब तक मैंने 75, 80, 70 की बात कर रहा हूँ, 55 याद रखें, अगर मोर देन 50 है तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाता है, तो इसलिए ये फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे। 31 December 2019 को फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 December 2020। इसमें एक पॉइंट नोट करें कि कहीं पर हम वर्ड यूज़ करते हैं बैलेंस शीट्स, कहीं पर हम यूज़ करते हैं वर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो असल में बैलेंस शीट वर्ड भी सेम है और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी सेम है, बस ये जो स्टैंडर्ड सेटर्स हैं ना, वो जब भी कोई नई स्टैंडर्ड लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो बेसिकली है चीज़ सेम, तो परेशानी की बात नहीं है कि ऊपर हमने बैलेंस शीट लिख दिया और नीचे हम कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट किया आपने एस में सब्सिडियरी में 4850 की, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये नॉन करंट एसेट्स आपके, और करंट एसेट्स और टोटल अगेन 31,500, 7,700। शेयर कैपिटल में 30,000, 5,000, प्रॉफिट ऑन 31 December 900 and 2,200 एंड प्रॉफिट फॉर 2020। नोट करें यहाँ पर भी दो दफ़ा प्रॉफिट लिखा हुआ है, एक वो है जो प्री है, एक वो जो करंट ईयर का है, तो टोटल बैलेंस शीट आपकी बराबर हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं इन्वॉल्व, लेकिन नोट्स में जाएंगे। वर्किंग देखें, मैंने इसकी साथ दिखा दी, यानी वर्किंग पेपर में है ना, इस तरह से हम करते हैं, वर्किंग भी साथ दिखा देते हैं, लेकिन ये वर्किंग पेपर पूरा नहीं है याद रखें, वो वर्कशीट जो बनती है वो और चीज़ है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहाँ दिखा दिया। देखिए गुडविल की कैलकुलेशन जो की हुई है नीचे, कि आपने इन्वेस्टमेंट की है 4850 की, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पर आपके जो ऊपर एसेट्स आ रहे हैं वो बनते हैं आपके 500 के कैपिटल और 2200 का प्रॉफिट, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट याद रखें, पोस्ट वाला इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये टोटल बनता है 7200, आपका शेयर है 55% ऑफ इट। अब देखें 55% जो बनता है वो 3960, और इन्वेस्टमेंट आपने की है 850 की, तो आपको गुडविल हो गई आपकी 890, और ये स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में चली जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ। इसमें एक पॉइंट नोट करें कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी गुडविल नेगेटिव में चली जाए, यानी बजाय इसके कि आपके नेट एसेट जो ख़रीदे हैं वो ज़्यादा हो जाएँ और जो पेमेंट आपने की है वो कम हो जाए, तो इन दैट केस ये बन जाएगी एक नेगेटिव गुडविल, और नेगेटिव गुडविल के बारे में मैंने डिस्कस किया कर चुका हूँ आपके साथ, कि इसके बारे में फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं या जो हमने जो फेयर वैल्यूज़ ली हैं एसेट्स की वो सही ली हैं कि नहीं, वो रिपीट करनी पड़ेगी वो एक्सरसाइज, और अगर आप समझते हैं कि जी आपने एक बारगेन परचेज की है तो ओके देन टेक इट टू दी, आप अपने ले जाएँ अपनी बैलेंस शीट में ले जाएँ इसको, यानी एक जो चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट है उसमें आप OCI के नाम से इसको डाल दें और वहाँ रखें इसको, ये पॉसिबिलिटी है। टोटल नेट एसेट्स आपके आ जाएंगे, करंट अकाउंट्स जो हैं उसमें सिंपल आपने ऐड किया, और इस तरह से शेयर कैपिटल आपकी कंपनी का और NIC की कैलकुलेशन वाला नीचे देख लें, टोटल नेट एसेट्स वो जो आपने ऊपर निकाले हुए हैं उसमें देखें, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें आपने प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लेना, इसमें आपने शेयर कैपिटल, करंट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर प्रॉफिट जो भी बचे हुए सब ले लेने, तो टोटल बनता है आपका 7,200, तो 500 जो पिछला है वो भी आ जाएगा इसमें, तो टोटल आपका 7,700 का प्रॉफिट, और इसमें 45% क्योंकि 55% है आपका, तो इसमें आपको 45% लेना पड़ेगा, तो NIC आ जाएगी आपकी 3465, और टोटल प्रॉफिट्स जो है आपके वो एड ऑन होके तो ये बन जाएगा 35,240, यानी टोटल आपका फिगर बन जाएगी टू, प्रॉफिट की फिगर की भी कैलकुलेशन दी हुई है इसने ग्रुप प्रॉफिट की, कि आपका प्रॉफिट और प्लस उसके प्रॉफिट का 55% 275 to 1175। तो ये वर्किंग छोटा सवाल था, इसलिए तीनों की वर्किंग साथ मैंने दिखा दी है, तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल बैलेंस हो जाता है।